एनआरसी और कैब कानून के विरोध में जबलपुर के कांग्रेसी नेताओं द्वारा आगामी 24 तारीख को एक विशाल ज्ञापन का आयोजन किया गया है। आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से अनुमति मांगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 24 तारीख को जबलपुर के सुब्बा शाह मैदान में मुफ्ती ए आजम मध्य प्रदेश के सरपरस्ती में एनआरसी और कैब कानून के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें इस कानून के पारित न होने की अपील की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि सभी अमन और चैन पसंद लोग अधिक से अधिक संख्या में सुब्बा शाह मैदान पहुंचे और इस विरोध में अपनी भागीदारी दें। इस अवसर पर एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद ही अनुमति दी जाएगी। समस्त मुस्लिम प्रतिनिधि के बीच में ये तय हुआ है कि 24 तारीख को सुब्बा शाह के मैदान में मौलाना साहब की रहनुमाई में मंत्री विधायक सभी की उपस्थिति में, सभी पार्षद, सभी बुजुर्गण की उपस्थिति में, कौम के उलमा की उपस्थिति में राष्ट्रपति के नाम एनआरसी और कैब के विरोध में एक ज्ञापन दिया जाएगा कि इसे ना लगाया जाए। 24 तारीख को एक परमिशन मांगी है कि ज्ञापन देने के लिए, इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जाकर जो भी विधिवत अनुमति की कार्रवाई है वो की जाएगी और लोगों का जो गुस्सा है वो ख़त्म करने का तेज़ी से प्रयास किया जा रहा है और जो वैधानिक तरीका है उस तरीके से लोग अपनी बात कहें, यही शासन प्रशासन की मंशा है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।